आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम आप सभी प्रेमियों को ये दिखाएंगे करके कि घर पर जो हम हर रोज धुनी करते हैं, धूप की फेरी करते हैं, वो धूप कैसे तैयार की जाती है, क्योंकि आप सभी के काफी ज्यादा कमेंट्स आए हुए थे कि हम वैसे नहीं समझ पाए हैं, एक बार हमें करके दिखाइए। तो ये सामग्री भी हमारे पास है, ये तैयार करके भी दिखाएंगे और उसके बाद करके भी दिखाएंगे कि धूप की फेरी घर पर किस प्रकार दी जाती है, किस तरह से दी जाती है। अब आप सभी थोड़ा सा ध्यान से देखिए इन बातों को, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। हमारे पास ये अवन सामग्री है, आप भी अवन सामग्री का कोई पैकेट आप मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं। उसके साथ साथ थोड़ा सा हम इसको पूरा कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा रखेंगे अपने पास और थोड़ा सा बस आपको करके दिखाएंगे। इस समय हमें भी ज़रूरत है सामग्री की, क्योंकि पहले जो सामग्री थी वो हमने यूज कर ली है पहले से, तो अब हम आपको एक बार करके दिखाएंगे ये सारी चीज़ें। हवन सामग्री का ये पैकेट है, आप दुकान से कोई भी पैकेट खरीद के ला सकते हैं। उसके साथ ये है नारियल का गोला, गोला आपको ऐसा मिल जाएगा। पहले इससे इसी गोला से हमने आपके लिए कई सारी वीडियो बना दी है, उसमें यूज कर लिया है और अब हम इसको सामग्री में यूज करेंगे। और अब इसके अंदर इसको हम बिल्कुल बारीक करके पीस पीस के बारीक टुकड़े डालेंगे इसके अच्छी प्रकार से। इसको इसके अंदर मिलाने से अच्छी स्मेल आती है भाई। अब हमने ये सामग्री उसके ऊपर थोड़ा सा बूरा डाल लिया है और हमारे पास जो ये नारियल था उसको बिल्कुल हमने बारीक पीस लिया है। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं आपस में। अब इसके अंदर हम घी डालेंगे भाई, ये हमारा घी है भाई, जितनी सामग्री है ना उसके अनुसार आप घी देखिए। अब हमारे पास जो घी है ये भैंस का घी है, आप गाय का भैंस का जो भी अवेलेबल हो यूज कर सकते हैं। भैंस का घी है, बिल्कुल शुद्ध घी है, HAU यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित है भाई हमारा घी। हमारे घर का घी है ये, भैंस का घी है और बिल्कुल शुद्ध घी है जो HAU यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं वो भी हमारे घर का घी यूज करते हैं भाई, काफ़ी बार मंगवाते हैं हमसे। अब इसको हम बारीक कर लेंगे, बिल्कुल बारीक हाथों से ऐसे मिलाएंगे इन चीज़ों को ताकि ये आसानी से मिक्स हो जाए। और ज़्यादा घी नहीं डालना है, अगर आपने ज़्यादा घी डाल दिया तो इस सामग्री के ख़राब होने का खतरा ज़्यादा रहता है, फिर इसके अंदर एक अजीब सी महकार उत्पन्न हो जाएगी। तो हमें ज़्यादा घी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सूखा रखना है इसको, ज़्यादा घी डाल दिया तो ये ख़राब हो जाएगी जल्दी ही। हम इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे अच्छे प्रकार से, मिलाएंगे मिक्स करेंगे इसको। ज़्यादा घी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल थोड़ा सा घी यूज करें भैया। बिल्कुल बारीक तरीके से इसको मिक्स करें। जब आप आगे आपको करके भी दिखाएंगे कि किस प्रकार घर में धूप की फेरी देनी है, तो आप आगे सारी बातें आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि आप लोगों के ज़्यादातर यही कमेंट रहते हैं कि आप हमें ये सारी चीज़ें करके दिखाओ, एक बार थोड़ा सा इस विषय में और बताओ ताकि हम घर में आसानी से कर सकें। हमारी हर वीडियो का उद्देश्य यही रहता है कि आप लोगों को आसानी से वो काम करके दिखाया जाए। हम सबके सब ग्रस्त परिवार से हैं, जब ये कार्य आप सभी अच्छी तरीके से देखते हो वैसा ही करते हो, और सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है भाई जब आप लोगों के वापसी फ़ोन आते हैं कि हाँ जो वीडियो आपने बताई थी हमने वो वीडियो देखी है और वैसा ही किया है और आज भगवान ने मौज कर दी है। जब ये चीज़ देखता हूँ और सुनता हूँ तो विश्वास बढ़ जाता है और आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक पर वीडियो लेकर आने का मन करता रहता है। बार बार कोशिश रहती है कि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े, एक एक चीज़ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो चीज़ आसानी से घर पर उपलब्ध हो सके मिल सके, वो सारी चीज़ें आप लोगों को करके दिखाते हैं ताकि आप लोग एक अच्छा और सुखी जीवन जी सको, हर प्रकार के किसी तांत्रिक हो या सूखा से बच सको और सिंपल तरीके से आपको कहीं भटकना भी ना पड़े।
काफी फोन भी आते हैं, नीचे कमेंट भी आप लोग चेक कर सकते हो, कमेंट किसी भी वीडियो के नीचे यही कमेंट मिलते हैं, या तो आपका नंबर चाहिए या आपसे मिलना है। तो भाई क्या करोगे, फोन नंबर मिल भी जाएगा तो हम उठाएंगे नहीं, उठा लेंगे तो ऐसा कुछ बताएंगे नहीं, सब कुछ वीडियो में बता रखा है, वही बातें दोबारा से बताएंगे आपको। उसके साथ साथ रही बात मिलने की, तो भाई मिलते तो हम किसी से नहीं, भाई मिलेंगे तो लोग इसका थोड़ा सा गलत मतलब निकालेंगे कि ये तो पूछा वगैरह देने लगा है, ये तो ये करने लगा है, तो मिलते नहीं भाई हम किसी से भी, इस चीज़ के लिए तो हम आप सभी से माफ़ी चाहेंगे। तो ये भाई हमारी जो हवन सामग्री थी बिल्कुल सटीक सटीक बैठी है, देखो घी भी बिल्कुल इतना ही था जितना हमें ज़रूरत थी, जो नारियल का गोला यूज किया था वो भी बिल्कुल ठीक था, इसके अंदर जो बूरा यानी कि खांड मिलाई गई थी वो भी बिल्कुल ठीक थी, और हवन सामग्री भी बिल्कुल ठीक थी। ये देखो अब ये सूखी सूखी है, ज़्यादा गीली नहीं है, ये घी अगर ज़्यादा होता तो ये ख़राब हो जाती है। अब इसको आप कितने ही दिन चला सकते हो आसानी से, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ करके कि कैसे दी जाती है। फिर देखिए आप कोई ऐसा पात्र ले आइए, मार्केट से मिल जाएगा ये आपको, आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाएगा, सभी के पास मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे पात्र में हम जब ये चूल्हे की अग्नि है भाई हमारे पास, तो अगर इसके ऊपर अग्नि रखो, अपने घर के मंदिर में बैठो, जो ये सामग्री है हमारे पास इसे किसी पात्र में किसी बर्तन में डाल के अपने पूजा स्थान पर रख दो, फिर ऐसा कोई पात्र ले आओ जिससे आप पूरे घर में अग्नि धूप की फेरी ले सको, ये दो चीज हो जाएंगी, अग्नि भी है धूप भी है। अब इसे अपने देवी देवता के मंदिर में रखा, थोड़ी सी अग्नि थोड़ी सी सामग्री यूज की, बिल्कुल थोड़ी सी नाम मात्र की, और इसके ऊपर हमने ये डाल दी। अब देखो ये जो धुआं निकलने लगा है, ये धुआं ये घर की नेगेटिविटी को हर प्रकार से दूर करेगा, कोई भी नेगेटिविटी हो, चाहे शरीर में हो घर में हो, कोई भी परेशानी हो बीमारी है उसको भी ठीक करेगा, नेगेटिविटी है कोई भूत प्रेत की बाधा है उसको भी ठीक करेगा, घर की दैवीय शक्तियों को मजबूत करेगा। अपने राइट हैंड में ले और पूरे घर में क्लॉकवाइज एक फेरी लगाएं, घर के मंदिर से लेकर पूरे घर में क्लॉकवाइज एक फेरी लगाएं। अगर आपके घर में नेगेटिविटी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, हद से ज़्यादा हो चुकी है, तो आपका जो वॉशरूम है आपको वहाँ भी ये लेके जानी है, और अगर लगे कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है फिर वहाँ नहीं लेके जानी, फिर अन्य जो जगह है वहाँ हर कमरे में कोई भी कमरा है उसके अंदर एक बार लेकर जाओ वापिस बाहर आ जाओ, ऐसे करके आपको क्लॉकवाइज सिर्फ एक फेरी देनी है, सिर्फ एक फेरी। उसके बाद ये जो पात्र है आपका मंदिर में नहीं रखना, आपको मंदिर में रखोगे वहाँ धुआं ज़्यादा हो जाएगा, किसी ऐसे स्थान पर रखो जहाँ से इसका धुआं आकाश में यानी वायुमंडल में खुले तरीके से फैल सके, जहाँ तक ये धुआं फैलेगा वहाँ तक की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, और जहाँ तक की नेगेटिविटी दूर होगी वहाँ तक हर प्रकार से पॉजिटिव वातावरण होगा, दैवीय शक्तियाँ मजबूत होंगी, और आपके घर पर आपके कुल देवी कुल देवता पितरों की जो शक्ति है जो पहरा है वो बढ़ जाएगा। ये काम आपको हर रोज करना है, उसके साथ आप एक लोटे में लुटिया में जो भी जल भर के रखते हो पहले इसकी परिक्रमा लगाओ पूरे घर में, उसके बाद जो लोटे में जल है उसका छिड़काव करो पूरे घर में, बचा हुआ जो जल है वो घर के बाहर लक्ष्मण रेखा लगा दो, घर का जो मेन डोर है उसके बाहर, अगर आप किराए पर रहते हो कहीं भी ऐसी जगह रहते हो जहां आपको इसको खुले में रखने की अनुमति नहीं है तो आप अपने मंदिर के पूजा स्थान पर रख दीजिए, वहां अगर आपको लगे कि आपको ये उपले नहीं मिलेंगे या अग्नि नहीं मिलेगी तो आप कपूर जलाइए, फिर आपको इस सामग्री की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कपूर जलाया करो अगर नेगेटिविटी है तो, नेगेटिविटी नहीं है तो सिर्फ जल का छिड़काव करो उसी से काम चल जाएगा, आप गाँव में रहते हो अग्नि आसानी से अवेलेबल हो जाए आपके पास तो फिर आप ऐसा काम करो, आपको हर रोज धूप जलानी नहीं पड़ेगी, और खासकर जो अगरबत्ती होती है वो मत लाया करो, कोई फायदा नहीं होता उनका, वो नेगेटिविटी को आकर्षित करती हैं, वो मत लाया करो आप। आपने जो ये घर पे बनाई हुई धूप तैयार की, इससे आपको पता चला कि आपके घर की धूप है, घर की मेहनत है, आपने अपने हाथों से इसको बनाया है, तो एक अलग ही फीलिंग होगी उस चीज़ की, देवी देवता भी खुश होंगे कि हाँ ठीक ठाक तरीके से इसने काम किया है और अब सब कुछ बढ़िया है। तो ये हमने आपको पूरा काम करके दिखाया है कि हाँ अच्छे प्रकार से खुद से हवन सामग्री, थोड़ा सा उसके ऊपर आपके घर में पता नहीं क्या बोलते होंगे आपकी साइड, मीठा भूरा खांड जो भी बोलते हो थोड़ा सा वो डालो, नारियल का गोला है उसे बारीक पीस कर डालो, और उसके बाद ऐसे
थोड़ी सी अग्नि रखी, उसके ऊपर थोड़ी सी जो ये सामग्री थी ये रखी, पूरे घर में क्लॉक वाइज परिक्रमा लगाई। ऐसी जगह पर रखो जहां पर इसका धुआं पूरे आकाश में जाए, आपके घर की नेगेटिविटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। जय श्री श्याम।